ओके तो बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने अब तक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशंस ये सब तो पढ़े हैं, क्लास 10th में आपने पेयर ऑफ इक्वेशंस भी पढ़े थे। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अगर हम इसे डिफाइन करें, एन इक्वेशन विच हैज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशियंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मतलब है इसका, अगर हम सीधे तरीके से आपको समझाएं तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव का टर्म होता है, dy by dx, dx by dy, ds by dt, मतलब डेरिवेटिव वाला जो टर्म अगर किसी भी इक्वेशन में है तो वो क्या बन जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तक हम जितने भी टाइप के इक्वेशन पढ़े हैं उसमें dy by dx तो नहीं था, अगर एक वेरिएबल है तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दो वेरिएबल्स हैं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसे दो इक्वेशंस आ जाएं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सब पढ़ा था। तो अगर आपको किसी भी इक्वेशन में dy by dx के टर्म या dx by dy के टर्म दिखाई दे तो समझ जाना कि वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, अब यहाँ पे तो नए नाम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो बच्चों ये क्या होता है, जब भी डेरिवेटिव का टर्म होता है ना तो जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट भी है एंड डिफरेंशियल कोफिशियंट भी है। सो दिस इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सी बात है, जो हमें ज़्यादा समझ में आए वो बोलचाल की लैंग्वेज में अगर हम इसे समझाएं तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव का टर्म है, डीवाई बाई डीएक्स है, डीएक्स बाई डीवाई है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, बस डेरिवेटिव का टर्म होना चाहिए तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ऑन द बेसिस ऑफ कि कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है और डेरिवेटिव के टर्म पे कितनी पावर है, इसके बेसिस पे इनके कई नाम दिए जाते हैं या इन्हें कैटेगराइज किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है। ठीक, तो ये डेफिनेशन सबको समझ में आ गई, एन इक्वेशन विच हैज़ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है dy by dx plus 2y equals to x square। सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पर डेरिवेटिव दो बार हो रहा है, तीन बार भी हो सकता है, तीन से भी ज़्यादा बार हो सकता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्मेट में भी मिल सकते हैं, वाई डबल डैश मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, इससे मतलब है दो डेरिवेटिव से मतलब है, वाई डबल डैश प्लस टू वाई डैश प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों ये है इंट्रोडक्शन कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ से कि डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, टाइप वन, इससे आपका वन मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, यू शुड नो व्हाट इज़ ऑर्डर एंड डिग्री मींस। सेकंड बन सकता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी सर्कल से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं, किसी पैराबोला से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं, लेकिन इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है, दिस इज वी विल नॉट स्टडी, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिलीटेड फॉर दिस ईयर। ठीक है, तो ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ेंगे, फॉर्मेशन हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद सीधे हम लोग आएंगे थर्ड टॉपिक की ओर, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जहाँ से क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो बच्चों सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये दोनों क्या होते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे निकालना है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कितनी मेथड से निकालना है ये सारी चीज़ें आगे हमें पढ़नी है। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ लेट स्टार्ट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले ऑर्डर क्या चीज़ होता है, बस इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये टॉपिक समझ लीजिए बहुत ईजी है, ऑर्डर एंड डिग्री टॉपिक जो है बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हायर डेरिवेटिव टर्म। क्या मतलब है इसका, दो दो बार ऑर्डर वर्ड आ रहा है, मैं आपको समझाती हूँ बच्चों। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बस इतना देखना है कि कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसमें डिफरेंशिएशन मैक्सिमम दो बार हो रहा है, इसमें एक बार हो रहा है, तो एक और दो में तो दो ही ज़्यादा है ना, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, दो, इसका ऑर्डर टू है। ठीक है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है इसमें, इसमें भी टू ही बार हो रहा है, इसका भी ऑर्डर टू है। नाउ इन दिस एग्जांपल यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि बच्चों कि कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हो रहा है, तीन बार हो रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना है, थ्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे
ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3 और इसका ऑर्डर है 2. ऑर्डर आई थिंक आपको क्लियर हो गया है. किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन हो रहा है उसको लिख दो, दैट्स द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक, अब ये डिग्री क्या होता है? द हाइएस्ट पावर ऑफ टर्म ऑफ हायर डेरिवेटिव. जो हायर डेरिवेटिव का टर्म है ना उसके ऊपर क्या पावर है, दैट इज डिग्री. एग्जाम्पल से इसको समझ में आएगा आपको. मान लीजिए बच्चों, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का. इसमें dy by dx के ऊपर दो पावर है, d2y by dx 2 के ऊपर क्या पावर है, ध्यान से सुनिएगा. डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है ये नहीं पूछ रहे हम आपसे, हम ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर क्या पावर है, 1 पावर है. तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2. एक मिनट, इसके ऊपर हम 3 लगा देते हैं, लेकिन हमको इसको देखना ही नहीं है, हमें किसको देखना है? हाइएस्ट पावर ऑफ टर्म ऑफ हायर डेरिवेटिव, उसको देखना है जिसका डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा बार हो रहा है, उसके ऊपर क्या पावर है. तो उसके ऊपर तो 1 ही पावर है, तो इसकी डिग्री 1 है, भले इसके ऊपर 100 पावर क्यों ना हो, हमको इससे मतलब ही नहीं है. वी विल सी द पावर ऑफ टर्म ऑफ हायर ऑर्डर हायर डेरिवेटिव. ठीक, तो अगर ऐसी बात है तो आई होप बच्चों आप समझ गए हो. मुझे बताइए इसकी डिग्री क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी डिग्री, क्योंकि हायर डेरिवेटिव के ऊपर 1 पावर है, इसकी डिग्री जो है 1 है, इसमें भी 1 और इसमें भी डिग्री जो है 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है. बात करते हैं इस एग्जांपल की. इसमें ऑर्डर बताइए 2, डिग्री 1. हम हमेशा कंफ्यूज हो सकते हैं कि 3 तो सबसे बड़ी पावर है, 3 ही होनी चाहिए डिग्री, बट आपको देखना है पावर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के टर्म को. हायर डेरिवेटिव के टर्म के ऊपर जो पावर है दैट इज डिग्री. ऑर्डर और डिग्री क्लियर करने के लिए बच्चों कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब. डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है? 3 टाइम्स हो रहा है. प्लस साइन के जो एंगल होता है ना, जो उसका थीटा होता है, उसमें डी वाई बाई डी एक्स लगा है इक्वल टू एक्स. ये स्पेशल केस है, ध्यान से सुनिएगा. आपको ऑर्डर और डिग्री तो समझ आ गया है, लेकिन जब आप देखो कि जो डेरिवेटिव का टर्म है वो ट्रिग्नोमेट्री में फंसा हुआ है या लॉग में फंसा हुआ है, तो ऐसे केसेस में डिग्री डिफाइन नहीं होती है. ऑर्डर वैसे ही लिखना है जैसे आप लिखते थे, डिग्री इज नॉट डिफाइन. तो यहाँ मुझे बताइए ऑर्डर कितना होगा? 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, 3 एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड. डिग्री इज नॉट डिफाइंड, समझ में आया? क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि यहाँ पे साइन का जो थीटा होता है उसमें डेरिवेटिव का टर्म है. वी हैव टू राइट डिग्री इज नॉट डिफाइंड. क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल डी टू वाई बाई डी एक्स 2 की पावर 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 प्लस 4y इक्वल टू 0. मुझे आप लोग बताएंगे इसका ऑर्डर और डिग्री. ऑर्डर 2 क्योंकि डिफरेंशिएशन दो बार हो रहा है, और डिग्री क्योंकि हायर डेरिवेटिव के टर्म पे 3 पावर लगी हुई है. ऑर्डर 2 डिग्री 3, समझ आया सबको? एनसीईआरटी के मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 के. फर्स्ट एग्जांपल डी पावर 4y बाई डी एक्स पावर 4, 4 बार डिफरेंशिएशन तो हो रहा है लेकिन साइन में डेरिवेटिव का टर्म है, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड एंड ऑर्डर इज 4. जल्दी से दो और देख लो फिर लिख लेना. नाउ एनसीईआरटी का ही बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है डी टू वाई बाई डी एक्स 2 की पावर 2 प्लस कॉस. फिर से डेरिवेटिव के टर्म कॉस में है, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड एंड व्हाट इज द ऑर्डर. चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. सिक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है वाई ट्रिपल डैश स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश स्क्वायर क्यूब है ना, y ट्रिपल डैश स्क्वायर प्लस y डबल डैश क्यूब प्लस y डैश की पावर 4 प्लस y की पावर 5 इक्वल्स टू 0. मुझे ऑर्डर और डिग्री आप लोग बताएंगे. ऑर्डर इज 3 क्योंकि मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, एंड डिग्री तो यहाँ पे डिग्री कितनी है बच्चों? 2. हायर डेरिवेटिव के टर्म पे जो पावर है उसे कहते हैं डिग्री. तो आई होप ऑर्डर एंड डिग्री आप लोगों को क्लियर हो गया है. तो 9.1 इससे इजीली आप कर सकते हैं.